नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को संपन्न हो गए और शाम होते होते तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। तमाम चैनलों पर एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दिल्ली में आने वाली सरकार की क्या तस्वीर होगी और किसकी सरकार बनेगी। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे तो 11 फरवरी को ही आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनती दिख रही। लगभग हर चैनल और संस्था का एग्जिट पोल इसी ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। इस दावे के बीच जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के कार्यक्रम का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल का विश्लेषण करते हुए दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बता दिया। इनकी तकलीफ सिर्फ ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे जीत सकती। इस वीडियो से साफ समझा जा सकता है कि केजरीवाल की जीत की खबर से ही उनके पेट में दर्द हो गया। हालांकि तकनीकी वजहों से हम आपको उनका ये वीडियो दिखा नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो में सुधीर चौधरी कहते हैं, दिल्ली के लोगों के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान मुगलों का राज आ जाएगा। धारा 370, राम मंदिर, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। इस तरह के मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, और ना कश्मीर की धारा 370 से कोई लेना देना है, ना उसे देश के टूट जाने से कोई लेना देना है। दिल्ली वाले सिर्फ अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलता रहे। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में बिजी है, उसे देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ मुफ्त की चीजों से मतलब है। मजेदार बात यह है कि साहब वही पत्रकार हैं जो जब बीजेपी को वोट पड़ता है तो इसे पीएम मोदी की लोकप्रियता बताते नहीं थकते। अगर केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछता है तो उसे जनभावना का अपमान तक बता दिया जाता है। लेकिन क्या सुधीर चौधरी ये बताएंगे कि जिस तरह से वो दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर कह रहे हैं, वो दिल्ली की जनता का अपमान नहीं? अगर एग्जिट पोल सटीक बैठता है तो क्या ये जनादेश नहीं होगा? सुधीर चौधरी के इस वीडियो पर कई पत्रकारों ने भी उन्हें लताड़ लगा दी। तो वहीं आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी का चाटुकार तो एग्जिट पोल के नतीजे देखकर दिल्ली की जनता को ही गालियां देने लगा। पत्रकार अजीत अंजुम ने भी सुधीर की पत्रकारिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एग्जिट पोल के बाद इस आदमी के भीतर का फ्रस्ट्रेशन कैसे बाहर आ रहा है देख लीजिए। अब ये दिल्ली की जनता को लानत भेज रहा है, क्योंकि हर रोज जहर उगलने के बाद भी नतीजे इसकी उम्मीदों पर हथौड़े पर पड़ते दिख रहे हैं। ऐसे ही नतीजे आ गए तो प्रज्ञा ठाकुर से वोटर को श्राप भी दिलवा सकता है। पत्रकार फाय डिसूजा ने कहा कि भरोसा नहीं होता, ये आदमी क्या कह रहा है, इसने पत्रकारिता कैसे पास की, कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक और वजह कि टीवी के तार काट दो और न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। पत्रकार आरफा खानम शेरवाली ने कहा, बीजेपी के खिलाफ वोट देगा तो अब वोटर भी राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। बीजेपी राष्ट्र है, बीजेपी को वोट देना राष्ट्रवाद, बीजेपी के खिलाफ वोट देना राष्ट्रद्रोह। इसकी शुरुआत उस दिन हुई जब सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार राष्ट्रद्रोही कहलाए। आप खामोश रहे, अब वो आप तक पहुंच गए, स्वागत कीजिए। आकाश बनर्जी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, शर्म से डूब मरो दिल्ली वालों, सुधीर चौधरी का दर्द तुम लोग क्या समझोगे? वही दर्द जो साल भर मेहनत करने के बाद जब मोटा बोनस हाथ से निकल जाता है। अनूप अग्रवाल ने ट्वीट किया, इसने खूब आग लगाते देखा, कुछ ना हुआ इन सब से। असली राष्ट्रवाद वो होता है जिसमें राष्ट्र के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छी सुविधाएं मिले, ताकि देश के लोग रोजमर्रा की चीजों में ना उलझे, तरक्की की सोच रखे। शाबाश दिल्ली की जनता। रोफी गुजराती नाम के यूजर ने लिखा, दर्द देखो सुधीर का, पत्रकार है नागपुरी संतरा। स्वाति नाम की यूजर ने लिखा, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो सुधीर चौधरी, ना कि दिल्ली की जनता। तुम ही वो हो जो देश की चिंता नहीं करते, दिल्ली के लोग नहीं। लोगों में नफरत फैलाना बंद करो, तुम देशद्रोही हो ना कि हम, सुधर जा चौधरी। तो देखा आपने कि कैसे दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर कहना सुधीर चौधरी को भारी पड़ गया और तमाम बड़े पत्रकारों समेत लोगों ने उनकी जमकर धुलाई कर दी।